भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ, उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो
तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता, मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देके मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल, उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है, अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है, अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं, मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है,
कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूं। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे? घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का आठवां उपदेश यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धयच, कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है।
कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का नवा उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, आलस्य को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गंवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा या हासिल नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुड़ता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे। और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से
कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योगः कर्मसु कौशलम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब, हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग
बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। गीता का 23वां उपदेश है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवानी तिरमतिर मम। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य वो मेरे पक्ष में हैं, कर्ण मेरे पक्ष में हैं, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहां पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पे आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है, उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडव प्रस्थ का राज्य दे दिया, जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा, और उनके उस वैभव को देख के, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसी और तामसी
इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर सार यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गंवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा।